Assalamualaikum everyone, मैं हूँ आपकी प्यारी सी लाइबा and welcome to the day 5 of my daily vlogs. आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि we are going to Ranchers to celebrate Aline's birthday. पर हमने हमारा प्लान था बेंटी जाने का, तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंगली संडेज डेकोरेट की थी. बट अब बेंटी नहीं बना, तो वी आर गोइंग टू रेंचर्स बिकॉज दैट इज़ मोर क्लोजर टू आलिन्स हाउस. तो अब हम जा रहे हैं, अब हम तैयार होंगे सबसे पहले एंड देन वी आर गोइंग टू गो देयर. सो एवरीवन, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. बेसिकली इट्स अ टी शर्ट और इसके ऊपर ड्रेस है, मैंने उसके बटन खोल दिए हैं. बट ये मैंने पहना था ईद के तीसरे दिन, मतलब ऐसे बटन बंद करके, पर नाउ इट्स गोना बी लाइक टी शर्ट और उसके साथ स्टाइल करके और नीचे जीन्स पहनेंगे. तो आई एम गोना शो यू द होल लुक. सो एवरीबॉडी, दिस इज माय आउटफिट फॉर द डे. और अपने जैसे तैयार होते हैं. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. नाउ आई एम यूजिंग दिस सनब्लॉक, lip balm, a liquid concealer from Miss Rose, तो जी जो मैंने कल वीडियो डाली थी उस पर मुझे एक कॉमेंट आया था कि आपका हिजाब स्टाइल हमें बहुत पसंद है, तो वो शेयर करें. तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय हिजाब स्टाइल. बट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करती हूँ मैं हिजाब. जो मोस्टली मैं करती हूँ, मैं वो ही आज कर रही हूँ. तो मतलब इस तरीके से आपने लेना है हिजाब एंड यू जस्ट नीड टू मेक अ रेक्टेंगल, ठीक है. उसके बाद अपने हिजाब कैप तक आ जाना है, देन डू दिस. उसके बाद इसको एक नॉक सी सेट कर लेनी है, ठीक है. देन होल्ड योर हिजाब लाइक दिस, ट्विस्ट इट एंड जस्ट राइट हियर. अब मैं ना लगाऊंगी पिन, जो बट लगाऊंगी, मेक श्योर इट्स इन द मिडल, ओके. सो अब ये जो है ना, मैं पीछे से लगाऊंगी. यहाँ से एक स्ट्रैंड लेना है, जस्ट डू दिस. और बाकी का इट्स गोना कम हियर. How is also, I'm gonna put these glasses over my head. So everybody, I'm wearing these shoes and these socks. I know आप लोग कहेंगे socks क्यों दिखा रही है. मुझे लगता है कि socks are the most underrated accessory. बात तो सही है. In the world. So everyone, I'm almost ready. I'm ready actually. I'm not almost. I'm ready. बस मुझे ये पहनना है, पर कोई बंद नहीं करके दे रहा. तो ये मामा से कहती हूँ बंद कर दें. और दूसरी चीज़ ये कि नाम ग्रह छोड़ दूँ कि मैंने क्या गिफ्ट दिया है फॉर आलिन. और एक रह गया था जो मैंने से उसे हमने लिया था फॉर आलिन, लिया था मैंने, मैंने दिखाया. दिस इज द बैग दैट आई बॉट. मेरे बहुत प्यारा कलर भी मुझे अच्छा लगा था. ऑल्सो आई बॉट दिस हिजाब और ये मैंने नेट लगा के थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की अपनी तरह से. व्हाटएवर. ऑल्सो आई मेड द क्यूटेस्ट कस्टमाइज संडेज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. सो एवरीबॉडी, दीज आर द संडेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. असल में पहले हमने जाना था बेंटी कैफे, तो वो पांडा थीम में है, तो मैंने उस हिसाब से ये बनाया था. एंड इट सेज हैप्पी बर्थडे और पांडा बनाया था. एंड द अदर वन इज द सिंपल, बट इट सेज आलिन. तो हम जब साथ रखेंगे तो इट विल बी लाइक हैप्पी बर्थडे आलिन. तो अब इस वीडियो के बाद ना मैं लगा दूंगी, मैंने रात को ये बनाए थे और मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाए थे, मतलब इस शॉट के बाद. तो जी एवरीबॉडी, अब मैं जा रही हूँ किचन में टू मेक द केक. और केक नहीं बनाने लगी एक्चुअली, मैं केक आके बनाऊंगी इधर, बट टू प्रिपेयर द बटर क्रीम एंड स्टफ. मैं वैसे केक नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ संडेज. और संडेज के ऊपर हम बनाएंगे एक छोटा सा पांडा और एक में आलिन का नाम लिख देंगे और देखते हैं जो मेरे माइंड में है वो एक्चुअल में बनता है कि नहीं बनता. सो एवरीबॉडी, मैं इसमें बना रही हूँ जो भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना प्रॉपर चीज़ें नहीं है, वरना मैं पूरा केक बना लेती.
अभी ये है कि हमने जुगाड़ लगाया कि हम इसमें एज अ संडे तक एक एक लेयर आएगी फॉर ऑफ द ब्राउन केक की, और फिर हम उसमें डालेंगे चॉकलेट और बटर क्रीम, चॉकलेट बटर क्रीम, और फिर हम ऊपर से वाइट बटर क्रीम के साथ कवर करके देन वी गोना पुट द स्टेंस। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं बटर क्रीम। अगर आप लोगों को बटर क्रीम की रेसिपी चाहिए, इट्स जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स रेसिपी, इसमें ये जाता है और वनीला एसेंस जाता है, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। और फिर ये है कि अगर आपको रेसिपी चाहिए तो गो टू माय यूट्यूब की दूसरी वाली वीडियो, वो नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी बटर क्रीम की फुल रेसिपी वीडियो दैट आई यूज इन समर्स एंड विंटर्स। ठीक है, सो गाइस द बटर क्रीम इज़ रेडी। इग्नोर द मैसी चूल्हा, बट थिंग इज़ की शुक्र है कि थोड़ी सी गैस आ रही है, तो अब आई एम जस्ट मेल्टिंग द चॉकलेट। तो आई नो द लाइटिंग इज इंट रियली परफेक्ट, बट हम फिर भी काम करेंगे। चम्मच, तो ये है केक, अब हम इसको करेंगे कट। अब हम इसको रखेंगे फ्रीजर में। तो जी ये देखिए पांडा बन गया, ये मैं बर्गर खा रही हूँ, ये मोटा पानी बर्फ डाल रहा है। तो देखिए ना, टूटी हुई चीज़ें भी रखी हैं तो काम आ जाती हैं। ये टूटा हुआ था तो दूसरे से हो नहीं रहा था, तो मैं इससे कर रही हूँ तो इससे सारा अच्छे से स्मूथ आउट हो रहा है। जस्ट लुक एट दिस, सो क्यूट। एंड आई रोट HPD विद द हेल्प ऑफ दीज पर्ल्स, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब। सो एवरीवन जस्ट लुक हाउ क्यूट इट इज। सो जी एवरीबॉडी, द मौसम इज सो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मतलब हल्की सी धूप धूप भी लग रही है, बट हवा इतनी अच्छी चल रही है। कहाँ जा रहे हो? अब हम ऑर्डर करने लगे हैं, अभी हमारे तीन लोग आ रहे हैं और काफी कुछ चाहिए कि आप सारे क्योंकि आज भी ये AI आज भी कॉम रहा है, हम तक बहुत पुरानी इसने पढ़े पेट माँ के बात चल रही है सारा हमारे लिए बात बेचारी सच में क्यूट। यानी कितनी औसम है यार। उसके बाद क्योंकि मैं ना घूम गई, फिर मैं इसके घर गई, इसको मैंने पिक किया, फिर मैं हम लोग घूम गए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जाके रास्ते सारे ब्लॉक्स में सोसाइटी में घुस गई, सोसाइटी के सारे दरवाजे बंद, गेट बंद था इधर सब, मैंने यही उतारे भाई तीन गेट बंद थे, तो हम पैदल चल के आए। क्योंकि बर्गर के साथ सारी लिपस्टिक खा ली थी तो अब रीअप्लाई। गाइस हंसी का दौरा पड़ गया यार, उस तरफ रख लो ना। गाइस आज ब्लॉग नहीं बन पा रहा, इनकी हंसियाँ नहीं रुक रही और हम चुप हो गए। तो गाइस अब हम PU एग्जीक्यूटिव क्लब आ चुके हैं और अब कॉफी पियेंगे। ये रोज के साथ मैचिंग हो गया मैम की, कॉफी के साथ साथ चल फिर रहे हैं, अब हम घर जा रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, हम चल रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। ये ना हमारे स्कूल्स में लगे, हाँ ये हमारे ना स्कूल्स में लगे होते थे ऐसे।
काफी। और ये ना हम एक दूसरे के मुंह पे मारते थे। कौन कौन मारता था गाइस? लिजियाना को भी मारूंगी। अच्छा मौसम और पर अब हम जा रहे हैं किधर जा रहे हैं हम लोग? टेलर पे जाएंगे मून मार्केट वैसे जैसे लेने और फिर उसके बाद आगे हम जाएंगे लेने। बंद क्यों करूं? अब हम आ गए हैं मामा के साथ इधर अपना क्या कराने आए मामा? मुझे लेकर देगी लाइबा मेरी बेटी चीज़। क्या बैग तक नहीं लाई मैं? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो आज की जो आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो देखते हैं कौन सी है। तो जी इस ये जो आयत है ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक हमने वही भेजी है तुम्हारी तरफ जैसे वही भेजी थी हमने नूह अलैहिस्सलाम और उन नबियों की तरफ जो इसके बाद हुए, और वही भेजी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब की तरफ, और ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, और दी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर, और कुछ रसूल हैं कि बयान किए हमने इनके हालात हमने तुमसे इससे पहले, और कुछ रसूल के नहीं बयान किए हमने इनके हालात तुमसे, इनकी तरफ भी वही भेजी और कलाम किया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे कलाम किया जाता है, ये सब रसूल भेजे गए खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर ताकि ना रहे लोगों के पास अल्लाह के हजूर कोई हुज्जत रसूलों के आ जाने के बाद, और है अल्लाह सब पर गालिब बड़ी हिकमत वाला बेशक। तो जी एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और फलस्तीन के मुसलमानों का भी रहना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़।